अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास केमिस्ट्री का हम चैप्टर 16 पढ़ रहे थे, जिसका टॉपिक हम लोगों ने कल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल तक पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ ऑल में वो कौन से जो है ना हम मेथड्स फॉलो करते हैं वो हम देखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ऑल का मतलब आपको याद है, मैंने कल समझाया था कि अगर हम लोग अपने जो है ना गैंग इम्प्योरिटीज़ को अपने ओर में से रिमूव करते हैं, जो बाकी जो प्योरीफाई ओर होता है प्योरीफाइड होने के बाद, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेट, और इस अमल को कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं। इसके तीन बड़े फेमस मेथड है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आपने देखना है कि सबसे पहले वो मेथड किस बेस पे आप यूज़ कर रहे हो, यानी बुनियाद कौन सी है, क्या चीज़ ऐसी है, दूसरा किस तरह उसको यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन की बुनियाद होती है डेंसिटीज़ पे। आपको पता है ग्रेविटी यानी कि अगर कोई चीज़ भारी हो कोई चीज़ हल्की हो, तो भारी चीज़ होती है वो ग्रेविटी होने की डेंसिटी भारी होने की वजह से ग्रेविटी की तरफ जल्दी जो है ना वो नीचे गिर जाता है, और हल्की चीज़ ज़रा ऊपर तैरने लग जाती है। तो ये वाली बात है। तो हमारे पास डेंसिटीज़ के लिहाज से देखा जाए तो ग्रेविटी सेपरेशन बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन डेंसिटीज ऑफ मेटेलिक ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। तो जो आपका ओर है जो मेटल का, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं गैंग पार्टिकल्स हैं, उनकी डेंसिटीज़ का फ़र्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके डेंसिटीज़ में काफ़ी मेजर फ़र्क है तो हम ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें करते क्या हैं, आपका जो ओर होता है ना उसको हम हैवी मेटल्स के साथ, जो आपके पास ओर मौजूद होता है, ये देखिए मैं आपको बुक भी दिखाती हूँ, हमारे पास ये डायग्राम है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रेविटी सेपरेशन है जिसके अंदर हम लोगों ने अपना सारा जो था मेटेलिक ओर डाला, उसके अंदर गैंग पार्टिकल्स भी थे, और उसके अंदर हम लोगों ने ना है वाटर पास किया ऊपर से, ठीक है, स्ट्रीम के फॉर्म में, यानी कि धार उसकी जो है ना सारी पास की। तो उसमें देखा कि जो हमारे पास कंसंट्रेटेड भारी जो मेटल के हैवी पार्टिकल्स थे वो नीचे बैठ गए, और जो आपके हल्के जो गैंग पार्टिकल्स थे वो सरफेस पर रह गए। तो ग्रेविटी के फर्क से भारी चीज़ नीचे बैठ गई, हल्की चीज़ ऊपर रह गई। तो उसको अच्छे से ना एजिटेट किया जाता है, अच्छे से आप समझ लो जैसे घुमाया जाता है, जस्ट लाइक आपके वॉशिंग मशीन में पानी घूमता है इस तरह से। ओर्स विद पाउडर्ड हैवी मेटल सेटल डाउन, जो ओर्स जिनके साथ पाउडर्ड हैवी मेटल होता है वो नीचे बैठ जाते हैं आफ्टर एजिटेशन। एजिटेशन मीन उनको अच्छे से घुमाया जाता है। लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर कैरिड अवे विद वाटर, उसमें जो पानी की स्ट्रीम जो हमने धार भेजी थी, जो लाइटर पार्टिकल्स पानी के साथ साथ आपके निकल जाते हैं, तो नीचे आपका ओर कंसनट्रेटेड फॉर्म में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में ना हम लोग क्या करते हैं, इसमें यानी कि आपके पास वेटिंग करेक्टरिस्टिक को लेते हैं, यानी किस तरह से आपके ओर के पार्टिकल्स और आपके गैंग के पार्टिकल्स किसके साथ जो है ना अपना एक कम्बिनेशन बना लेते हैं, किस में एक तरह से आप समझ लो हल हो जाते हैं, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो हम लोग इस फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या करते हैं, बेस उसकी वेटिंग करेक्टरिस्टिक है, ऑयल के साथ हम ओर की वेटिंग करवा देते हैं, ठीक है, ज़्यादातर उसके अंदर अच्छे से उनको मिला लेते हैं, और गैंग जो इम्प्योरिटीज़ उसको वाटर के साथ जो है ना उसकी वेटिंग करवा दी जाती है। अब इसमें होता क्या है कि जो सारा मिक्सचर होता है इसको फिर इसको भी अच्छे से जो है ना एजिटेशन इसकी की जाती है, कंप्रेस एयर हवा का दबाव भेज के उसको जो है ना अच्छे से पहले घुमाया जाता है। तो अब आपको पता है जो ऑयल कोटेड पार्टिकल्स होंगे, जो ऑयल के साथ पार्टिकल्स जो है ना मिले होंगे, वो लाइटर होंगे, वो हल्के होंगे, वो सरफेस पर रह जाएंगे फ्रॉथ की शक्ल में, उसको आप अलग कर लोगे। जैसे दूध में अगर देखो मलाई जो भलाई जिसको बोलते हैं क्रीम, आपकी सरफेस पे आ जाती है ना, उसको सरफेस आप स्कीम ऑफ कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास ओर के पार्टिकल्स ऑयल के साथ सरफेस पे आ जाएंगे उसको हम लोग स्कीम कर लेंगे, मलाई की तरह निकाल लेंगे, और हमारे पास जो गैंग पार्टिकल्स जो पानी के साथ है वो नीचे बैठ जाएंगे। ये देखें डायग्राम आप देख सकते हैं हमारे पास, देखें यहाँ से आपने कंप्रेस्ड एयर अंदर भेजा, यहाँ पे जो है ना वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल जो है ना हम लोगों ने इसमें डाला, ये और के पार्टिकल्स हैं, ये देखो आपको नज़र आ रहे होंगे, अपनी बुक ओपन करके आप देख लीजिएगा, ये बबल्स की फ्रॉथ की फॉर्म में सरफेस पे आ गए, और ये जो नीचे बैठ गए क्या है गैंग पार्टिकल्स हैं, तो इस तरीके से सरफेस से हम इसको अलग कर लेंगे। ये हो गया फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब आपको मैंने बताया कि बेस और प्रोसेस आपने देखना है। नेक्स्ट है हमारे पास आपका जो प्रोसेस है कंसंट्रेशन ऑफ ओर में, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। उसमें जाने से पहले ना आप पहले ये मार्क कर लें हमारे पास ये कितना आपने कैसे करना है। सबसे पहले देखें ग्रेविटी सेपरेशन में यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन है आपकी, ओके, लाइक फिर उसके बाद प्रोसेस है यहाँ से लेके अपने यहाँ तक करना है।
शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे डेफिनेशन या प्रोसेस, अगर डेफिनेशन पूछे तो जस्ट व्हाट इज ग्रेविटी सेपरेशन, बस इतना सा बता दें, प्रोसेस ऐड कर लें वेल एंड गुड, नहीं तो आपने इतना काफ़ी है। अगर लॉन्ग आएगा किसी में, कंसंट्रेशन ऑफ और पे लॉन्ग आता है किसी दो पे या तीन पे या एक पे भी, एक पे कम आता है, दो या तीन पे है, तो आपने विद डायग्राम इसको लिखना है। फ्रॉथ फ्लोटेशन की यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी डेफिनेशन है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका प्रोसेस एक्सप्लेन हुआ है। अगली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ।